प्रश्न दो, निम्नलिखित फलों के अधिकतम तथा न्यूनतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। यहां हमें चार प्रश्न मिले हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, माइनस मॉडुलस एक्स प्लस एक प्लस तीन, ये हमें फलन मिला है। एफ एक्स बराबर माइनस मॉडुलस एक्स प्लस एक प्लस तीन, ये हमें दिया गया फलन है। हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तीन माइनस मॉडुलस एक्स प्लस एक, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, मॉडुलस एक्स प्लस एक यदि ये मान शून्य हो जाए तो हमें मान एफ एक्स का मिलता है तीन, अर्थात जब एक्स बराबर माइनस एक हो तो ये मान तीन हो जाएगा। एक्स बराबर माइनस एक पर हमें एफ एक्स मिल जाता है तीन, जो कि इसका अधिकतम मान होगा, क्योंकि अदरवाइज तो ये तीन से कम होता चला जाएगा। तो एक्स बराबर माइनस एक पर एफ एक्स का अधिकतम मान मिलता है, अधिकतम मान है तीन के बराबर। अब यदि मैं एक्स का कोई अन्य मान लूं तो ये मान तीन से कम होता जाएगा, और ये मान हमेशा ही कम ही होता जाएगा। जैसे जैसे मैं एक्स का मान बढ़ाता जाऊंगा, ये एफ एक्स का मान कम होता जाएगा। इसलिए निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मैं एक्स का मान, कोई भी मान बढ़ाता चला जाऊंगा, कोई भी मान लेता चला जाऊंगा, वो मान कम होता चला जाएगा। इसलिए निम्नतम मान का तो अस्तित्व नहीं है फलन के, और अधिकतम मान इसका तीन के बराबर हो सकता है। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, प्रश्न बी। हमें एफ एक्स क्या मिला है, एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स प्लस दो माइनस एक। जैसे जैसे मैं एक्स का मान बढ़ाता हूं, एफ एक्स बढ़ता चला जाएगा, अर्थात अधिकतम मान का यहां अस्तित्व नहीं है। तो अधिकतम मान का अस्तित्व नहीं, क्योंकि हम पाते हैं जैसे जैसे हम x का मान बढ़ाते हैं, यह fx का मान बढ़ता चला जाता है, इसलिए अधिकतम मान का अस्तित्व नहीं है। अब न्यूनतम मान क्या देखें, तो जब मॉडुलस x प्लस दो जीरो के बराबर हो जाएगा तो यह मान माइनस एक हो जाता है। तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, न्यूनतम मान माइनस एक है, जो कि कब होगा, मॉडुलस एक्स प्लस दो जब शून्य के बराबर होगा। तो फलन का न्यूनतम मान माइनस दो के, माइनस एक के बराबर है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, सी। इस प्रश्न में हमें क्या मिला है, मॉडुलस साइन चार एक्स प्लस तीन। एफ एक्स बराबर है मॉडुलस साइन चार एक्स प्लस तीन, यह हमें मिला है। देखो, साइन का कोई भी मान हो वो माइनस एक और प्लस एक के बीच में होता है, तो साइन चार एक्स एक से तो छोटा होगा या बराबर होगा, और माइनस एक से बड़ा होगा या बराबर होगा। साइन चार एक्स का मान माइनस एक और एक के बीच में होगा। अब जब माइनस एक होता है तो एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा मॉडुलस माइनस एक प्लस तीन, अर्थात मान हो जाएगा दो। यह मान माइनस एक पर हम प्राप्त कर रहे हैं, जो कि न्यूनतम होगा, यह मान न्यूनतम होगा। और जब साइन चार एक्स का मान एक के बराबर हो, तो यहां मैं एक लिख दूं, एफ एक्स कितना हो जाएगा, एक प्लस तीन का मॉडुलस अर्थात चार, और यह एफ एक्स का अधिकतम मान होगा। तो एफ एक्स का अधिकतम मान इस स्थिति में कितना है, चार, न्यूनतम मान कितना है,
तो जब साइन 4x माइनस 1 है तब तो हमें न्यूनतम मिल रहा है, और जब साइन 4x 1 है तब हमें अधिकतम मान मिल रहा है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, डी यहां कर लेते हैं इसको। डी है, हमें फलन मिला है fx बराबर साइन 2x प्लस 5। उन्हें यहां साइन 2x का मान किसके बीच में होगा, 1 और माइनस 1 के बीच में होगा, तो साइन 2x लेस देन इक्वल टू 1 है और साइन 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 है, माइनस 1 और 1 के बीच में होगा। तो fx का मान जब साइन 2x माइनस 1 हो तो ये मान हो जाएगा माइनस 1 प्लस 5 अर्थात 4, ये मान इसका न्यूनतम मान होगा। और fx बराबर जब साइन 2x 1 के बराबर हो तो 1 प्लस 5 हो जाएगा जो कि 6 आता है, ये इसका अधिकतम मान होगा। तो fx का दिए गए फलन का अधिकतम मान तो है 6 और न्यूनतम मान है 4।